तो आप सभी को हमारे तरफ से ईद मुबारक। आप लोग देख सकते हो मेरा फुल लुक कैसा, आने का साथ साथ दोनों का दोनों बाहर आ गया। मुसलमानों तो मैं ईद मुबारक, आप सभी को ईद की शुभकामनाएं। आज जैसा कि मैं जा रहा हूँ अपना ससुराल, और आज जो है मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ बोले तो देखिए, क्योंकि मेरा बीवी ने मंगाया तो मैंने भी लगा लिया। तो 10 मिनट से यही मैं बैठा हुआ है, ईद स्पेशल। हम लोग एंट्री पॉइंट का सामने में आ चुका है। माँ को तो भीड़ देख भाई, घुसेगा तुम अंदर आज, क्योंकि इधर पे लाखों का तादाद पर लोग होता है। देख सकते हैं अंदर का नजारा, क्या खतरनाक लोग है। सही बात है, कहाँ बैठ के, उधर भी एक है, ड्रोन का काम कर रहे हैं लोग उधर बैठ के। देखिए ये सब क्या लिया, देखो मीठा पानी दोस्तों। आप लोग भाभी को भी ईदी उदी दिया नहीं है, तो चलिए उसके लिए एक चॉकलेट वेट कुछ ले लेता है। इधर देख सकते हो हम लोग आया है आशातुल मामा का घर में, इधर पार्टी चल रहा है। ये हैंडमेड है, हैंडमेड पापड़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब, आई होप सब अच्छे हो। तो दोस्तों जैसा कि आज तो ईद है, आप सभी को पता है, तो आप सभी को हमारे तरफ से ईद मुबारक। और बाकी देखते हैं चलिए आज का दिन कैसा निकलता है। जस्ट अभी नहा धोवा के पूरा मतलब रेडी होके बाहर निकल गया, जाना है नमाज पर। जैसा कि ईद का नमाज पढ़ना है तो वो तो ईदगाह पे जाके हम हमेशा पढ़ते हैं, तो आज भी वही जाके पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है, पूरा दिन बने रहे आप लोग हमारे साथ, पता चलेगा। और बाकी क्या बोले, मतलब ईद स्पेशल तो मतलब हमेशा बेस्ट ही होता है, तो इस बार कैसा होता है वो भी आप लोगों को पता चलेगा, बने रहिएगा पूरा दिन। और बाकी आप लोग मेरा ड्रेस देख सकते हो, और ये ड्रेस तो ऑलरेडी मैंने पहले भी आप लोगों को दिखा चुका है, अगेन आप लोग देख सकता है लगाने का बाद। तो अभी तो मैं खुद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो इतना तो मैं पूरा फुल आप लोगों को दिखा नहीं सकता। चलिए मेरा फ्रेंड लोग आने दीजिए, क्योंकि मोहिदुल समीर लोग सब आ रहे हैं, आने के बाद वो लोग को फोन पकड़ाता है और पूरा फुल में अपना लुक आप लोगों को दिखाता है। तो चलिए बने रहिएगा एंड तक। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरा फुल लुक कैसा है, जरा कमेंट करके बताइएगा आप लोग, क्योंकि इस बार थोड़ा यूनिक है। क्यों वो तो आप लोगों को पता ही है, लास्ट टाइम भी आप लोगों को बता चुका है, मतलब काफी दो तीन ब्लॉग जो आया वो क्या है, कैसा है, कौन ऑर्डर किया, पूरा डिटेल में तो मैंने बताया ही है। तो बाकी लुक्स कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर कॉमेंट करके, और बाकी आप लोगों का ईद भी कैसा जा रहा है वो भी कॉमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमेशा का तरह समीर मोहिदुल आजादुल हमेशा का तरह आज भी लेट है, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी घर पे मतलब आई मीन घर का बाहर रुकते रुकते बोर हो गया, तो इसलिए अभी मैं ऑटो लेके सीधा लोग का घर का तरफ ही जा रहा हूँ, उसका बात लेके निकलेंगे। क्योंकि वो लोग को फोन करेगा तो लोग हमेशा ही बोलता है दो मिनट, बस दो मिनट रुको अभी पहुंच रहे हैं, लेकिन वो लोग का दो मिनट दो घंटा हो चुका है, खत्म ही नहीं होता है। तो इसलिए चलिए सीधा वो लोग का घर ही चलता है और जाके निकल के लेके फिर जाएंगे, क्योंकि वो नमाज भी लेट हो जाएंगे। तो इसलिए देखता है कैसा होता है, ये लोग क्या बोलूं मैं, हमेशा बस इसी तरह करता है। तो दोस्तों देखिए मैं आने का साथ साथ दोनों का दोनों बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना हमेशा ऐसा ही करता है, जब तक मैं पहुंचूंगा नहीं तब तक निकलेगा नहीं। हेलो दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक, और आप सभी को ईद की शुभकामनाएं। और चलिए हमारे साथ आज ईद में कहां कहां हम लोग घूमने जाएंगे उसका डिटेल आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। और अभी देखो तो टाइम कितना हो रहा है, तुम लोग ना हमेशा काहे लट करता है, सबसे पहले ये बताओ। चलो भाई मेरी तरफ से सोबत में मीटर लगा लो। चलो मैंने ऑलरेडी लगा दिया, क्योंकि मेरा बीबी ने ऑलरेडी लगा के ही भेजा मुझे, तो मैं भी ऐसा नॉर्मली तो लगाता नहीं हूँ, आप लोगों को भी पता है और तुम्हें भी पता है, लेकिन आज मेरा बीबी माना नहीं तो मैंने भी सोचा चलिए सबका बात मानना चाहिए, ईद का दिन है तो मैंने भी लगा लिया। और बाकी इधर मौजूद भी अभी लगा रहा है, देख सकते हैं आप लोग ईद मुबारक। तो चलिए दोस्तों बने रहे ब्लॉग पे पूरा एंड तक, मजा जरूर आएगा, क्योंकि इसका जो ब्लॉग होता है वो धमाका ब्लॉग होता है, नहीं बोल। तो चलिए बने रहिए, देखिए हम लोग आज कौन सा भीड़ में जाके घुसता है। और एक बात, हाँ इतना ड्रेसिंग नहीं किया ना, इतना अच्छा कपड़ा पहना है, बस नमाज के लिए जा रहा है। और मेरा ड्रेसिंग कैसा है बता भाई, तुम्हारा ड्रेसिंग माशाल्लाह बहुत सुंदर है। चलो थैंक यू। कुर्ता पहना है, मेरे पास तो कुर्ता भी नहीं है। कुर्ता नहीं है ना, गया नहीं है ये बता, नहीं है मतलब, नहीं नहीं नया कुर्ता नहीं है ना, क्योंकि मेरा बीवी ने मंगाया तो मैंने भी लगा लिया, क्या करूं। तो चलिए हम लोग मेन रोड पर आ चुके हैं, अभी थोड़ा आप लोगों को बाहर का नजारा दिखाता है और सीधा ईदगाह पे जाके हम लोग मिलते हैं। प्यारे मुसलमानों तो मैं ईद मुबारक। दोस्तों 10 मिनट से यही मैं बैठा हुआ है, ईद स्पेशल जाम, मजा आ रहा है ना भाई, लो मजा लो ईद का मजा लो, इसीलिए बोला था जल्दी निकल के आना, ईद का जाम में मजा आ रहा है ना। अभी टोपी लगा लिया तो माशाल्लाह बहुत सुंदर दिख रहा है, सही बात, और भी ज्यादा मस्त दिख रहा है भाई तुम्हें, और मुझे भी खुद का तारीफ खुद ही कर रहा हूँ, करता नहीं है उपाय नहीं है, मेरा तारीफ भी हम खुद किया है, उपाय नहीं है, कोई करता नहीं है तो खुद ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये मेरा मतलब सजेशन है
मतलब खुद को मतलब अगर खुद ही बुरा सोचेंगे तो दूसरा इंसान कहाँ से अच्छा सोचेगा। तो कम से कम खुद को पहले सही सोच लो, दूसरा इंसान जो सोचना है सोचते दो भाई, उसका काम है। चलो उड़ के चला जाता है। नहीं नहीं और जल्दी निकलो, और जल्दी निकलो, नहीं और जल्दी निकलो। हम तो इसलिए पहले बोला था जल्दी निकलना है, अभी तो चलो ईद स्पेशल जाप में बैठो, अब इसलिए जल्दी बोला था ना तुम लोग को। मुबारक ईद मुबारक। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जैसा तैसा मतलब ईदगाह का सपना हम लोग पहुंच ही गया। तो चलिए बाहर का भीड़ में आप लोगों को दिखाता हूँ कि इतना खतरनाक है। फिलहाल तो अभी तक हम लोग ऑटो पर है, उतरा नहीं है क्योंकि अभी भी जा रहे हैं, मतलब जाम ही ऐसा है, क्या करूँ। और क्या लग रहा है भाई, जगह मिलेगा हम लोग को? मिल जाएगा, पूरा तकलीफ होगा वही बात है, ठीक है। जाम में घुसने टाइम मजा आएगा, लेकिन चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ऑटो से उतरते हैं और बाहर का नजारा दिखाता है। तो पार्किंग एरिया देख सकते हैं आप लोग, क्या खतरनाक पार्किंग हो रहा है, और जाम भी सच में देखिए, और उधर का भीड़ देखिए। चलिए अभी जा रहा है हम लोग भी पास में, जाके दिखाता है क्या खतरनाक भीड़ देखिए। ये तो एंट्री पॉइंट नहीं है, ये तो रास्ता है, बस लोग घुस रहे हैं। एंट्री पॉइंट में क्या खतरनाक जाम होगा वो जाने से ही पता चलेगा। चलिए तो दोस्तों फाइनली हम लोग एंट्री पॉइंट के सामने में आ चुका है, जैसा कि वेलकम ईद मुबारक बोल के लिखा हुआ है। माँ को तो भीड़ देख भाई, घुसेगा तुम अंदर आज। तो दोस्तों आप लोग लोगों का तादाद इधर पे देख सकते हो कितना ज्यादा भीड़ है। तो अभी इस भीड़ को चीरते हुए हमें अंदर जाना है, तो पता नहीं कैसा क्या होगा, अंदर जाके हमें जगह मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा होगा पता नहीं, बने रहिए आप लोग एंड तक, पता जरूर चलेगा। और ऐसा भी ईद का नमाज है तो हमेशा मतलब हर साल ही ऐसा ही भीड़ होता है, तो इस बार भी यही सेम है, और जगह तो मिलना ही है जैसा भी हो। चलिए देखता है कैसा होता है, बस बने रहे आप लोग हमारे साथ एंड तक। जकरिया भाई अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए दोस्तों जैसे तैसे हम लोग ईदगाह का एकदम गेट का सामने तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ का भी भीड़ आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग अंदर, और अंदर पर घुस के आप लोगों को अंदर का भीड़ दिखाते हैं कितना ज्यादा लोग है, क्योंकि इधर पे लाखों का तादाद पर लोग होता है जैसा कि आप सभी को पता ही है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अंदर का नजारा, क्या खतरनाक लोग है, मतलब आप अगर लोग गिनने जाओगे तो आप गिन के खत्म नहीं कर सकोगे, सिर्फ लोगों का माथा ही दिख रहा है और कुछ नहीं। और ये सच तो कुछ भी नहीं है, आगे तरफ तो और ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग तो एकदम लास्ट पे अभी फिलहाल। तो अभी इसी भीड़ का साथ अंदर जाना है, और अंदर में जाके अपने को भी जगह निकलना है, बैठना है, उसके बाद नमाज वगैरह भी पढ़ना है। और ऐसे भी हम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैंने पहले भी बोला है। तो जगह मिलेगा नहीं मिलेगा कैसा होगा पता नहीं, चलिए देखता है। तो चलिए दोस्तों जैसा तैसा हमें जगह मिल गया, और हम लोग भी यहाँ पे बैठ गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं हूँ, मोहिदुल है, समीर है, समीर मेरा पीछे आप लोग देख सकते हैं, इधर मोहिदुल है, उसके बाद फिर मेरे साथ जाबिर भी है। फाइनली हम लोग नमाज पढ़ लिया दोस्तों जैसा तैसा। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने नमाज पढ़ लिया, आप लोग भीड़ देख सकते हैं क्या घचा घच है, और नमाज पढ़ने में कितना मजा आया देखो, और बताओ नमाज पढ़ने में कितना मजा आया। चलो तुम तो अच्छा जगह पे था, लेकिन हम लोग गलत जगह पे था। और जमीन भाई पेड़ दर्द हो गया, सही बात है, मेरा भी क्योंकि मुझे भी ऐसा फील हुआ कि पेड़ के ऊपर ही नमाज पढ़ा, नमाज तो पढ़ा है, उर्दू करने वाला पढ़ा है, सही बात, सही से पढ़ा है कि नहीं गलत पढ़ा है तो नहीं जाने, लेकिन कोशिश किया सही से पढ़ने की। तो चलिए फाइनली हमारा नमाज खत्म हो गया, अपन निकलता है बाहर, और क्या खतरे का स्पीड देखने दिया था। दोस्तों लोगों पर ड्रोन नहीं है, ड्रोन का काम कर रहा है, देखिए कहाँ बैठ के उधर भी एक है, ड्रोन का काम कर रहा है लोग उधर बैठ के, देखिए और भीड़ देखिए खचा खचा, हम लोगों को निकलना है, तो देखिए निकलने में भी फटने वाला है। तो चलो भाई लोग निकलते हैं, समीर चलो धीरे धीरे निकलते हैं, चलो और भी रुकेगा, इतना भीड़ है नहीं है, सही बात है, भीड़ वो भीड़ कमने वाला भी नहीं है, चलो और नहीं भीड़ पे घुसना भी है क्योंकि मुझे लाइव जाना है यूट्यूब पर, चलो यूट्यूब पर लाइव जाना है मुझे, क्योंकि भीड़ नहीं होगा तो फिर लाइव में मजा नहीं आएगा, चलो हम लोग फाइनली नमाज पढ़ के बाहर निकल चुके हैं। और अंदर में भीड़ का वजह से, क्योंकि हम लोग का टाइमिंग ठीक नहीं था, वो
हम कब घुसा, ये कब घुसा पता नहीं, तो उसका वजह से मैं आप लोगों को अंदर पे तो इसको मिला नहीं पाया। सो अभी आप लोग मिल सकते हैं जो कि ऑलरेडी उधर पे हो, गला मिल रहा है देख सकते हैं आप लोग, तो चलिए आप लोग भी उससे एक बार मिल लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर का लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आशा करता हूँ सब खैरियत है, हमारा भी सब कुछ मतलब एकदम ठीक ठाक है, अच्छा से चला गया ईद भी। तो चलिए आज का ईद का दिन है, आज बहुत बड़ा दिन है, तो क्या होता है कैसा होता है कहाँ कहाँ जाना है, बहुत लोगों को तो खुशी का मौका है आज। तो सब लोग स्वस्थ रहिए, अच्छा से घूमिए फिरिए, कुछ उल्टा सीधा हरकत मत कीजिए, बस बने रहिए। और एक बात, अभी सबसे पहले तुमको मेरा घर जाना है और वहाँ से रास्ता करके निकलना है इंशाल्लाह। चलो फिर तो चलिए दोस्तों, अभी फिलहाल हम लोग निकलते हैं। भाई साहब तो गाड़ी लेके आया लेकिन हम लोग तो ऑटो लेके आया, चलिए अभी इससे ही चलता है रास्ता तक, फिर ऑटो में चढ़ के निकलते हैं घर के लिए। दोस्तों चलिए अभी फाइनली मैं ऑटो पे बैठ गया, इधर आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मैंने काफी ज्यादा आइटम ले लिया, जैसा कि आया नहाना और हनुमान का लिए। तो डोरेमोन जो है वो हनुमान का लिए क्योंकि उसका माथा का बल लटका के रख देंगे तो वो अच्छा से खेल पाएगा सो सो के, क्योंकि वो तो चल नहीं सकता है, उसको तो सोना ही है। तो चलिए अभी निकल रहे हैं हम लोग घर के लिए। तो नमाज से आके काफी ज्यादा गरम गरम लग गया, इसलिए थोड़ा फ्रेशनेस के लिए अभी इधर घुस के हम लोग पियू ले रहे हैं। और भाई साहब क्या लिया, देखो मीठा पानी, दोस्तों मीठा पानी पिएगा बोला। और बाकी चलिए अभी मैंने सोचा कि आप लोगों का भाभी भाभी को भी ईदी उदी दिया नहीं है, तो चलिए उसके लिए एक चॉकलेट वेट कुछ ले लेता है, बस इसीलिए घुसा, तो सोचा चलिए कुछ ठंडा भी खा लेता है। तो चलिए अभी निकलता है घर के लिए। तो दोस्तों जैसा कि ईदगाह पे मैंने बोला था कि सबको मेरा घर पे जाने के लिए और नाश्ता करके जाने के लिए, तो चलिए सब मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह आया, सबने नाश्ता भी किया। और अभी फिलहाल मैं कहाँ पे हूँ बोलने से, इधर आप लोग देख सकते हैं मैकेनिक का सामने जो कि इधर गाड़ी बन रहा है, देखिए हमारा सर गाड़ी बना रहा है। तो अभी फिलहाल हम लोग आ गया मुन्ना का घर पे, बोले तो असद का घर पर, क्योंकि नाश्ता मेरा घर पे किया, अब वो भी जिद कर रहा था तो तुम्हारा घर में मैंने नाश्ता किया तो तुम मेरा घर पे नाश्ता क्यों नहीं करोगे। तो मैंने भी यही सोचा कि हाँ ये भी सही है, जब मैंने बोला वो आया तो जब उसने बोला मुझे भी आना चाहिए। तो अभी फिलहाल मैं आ गया उसका घर पर, तो चलिए उसका घर पर जाके पहले नाश्ता कर लेते और फिर हम लोग निकाल के देखते हैं क्या करते हैं। इधर देख सकते हो हम लोग आया है आशादुल मामा का घर में, ये जूस और यहाँ पार्टी चल रहा है, अरे इधर पार्टी चल रहा है, ये हैंडमेड है, हैंडमेड पापड़, ये मार्केट वाला सस्ता चीज नहीं है, पैसा से भी नहीं मिलेगा, आप लोग देखो। और किसको पता है बोलना ये कौन सा वाला पापड़ है और क्या चीज से बनाता है, हाथ से तो बनाता है पता है, क्या चीज से बनाता है। हाँ भाई यूज करने वाला से बेजी नहीं होता है, वो सिरिंज होता है। हेलो गाइस, तो आज हो गया डे टू, तो आज जैसा कि मैं जा रहा हूँ अपना ससुराल, और आज जो है मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ बोले तो देखिए जैसा कि ईद का जो ब्लॉग था वो मैं एंड ही नहीं कर पाया क्योंकि वो मेरा फोन पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसका वजह से। तो इसीलिए मैं अभी जो शूट कर रहा हूँ सिर्फ ब्लॉग एंड करने के लिए मैं ये शूट कर रहा हूँ। मैं जो ससुराल जा रहा हूँ उधर का कुछ ब्लॉग अभी फिलहाल आएगा नहीं, आगे जाके जरूर आएगा। तो चलिए ईद का ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा, तो फोन में प्रॉब्लम होने का कारण क्या हुआ, मैं दो ब्लॉग इस बार बना नहीं पाया, वरना तो हर बार ईद में मैं दो ब्लॉग बनाता हूँ आप लोगों को जैसे कि पता है, बट इस बार तो एक ही ब्लॉग आया तो उपाय नहीं है, एक ही ब्लॉग से एडजस्ट कीजिएगा। और बाकी आप लोगों को ईद का ब्लॉग देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह ब्लॉग वीडियो देखने के लिए अपने भाई का चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।